जोमेटो है वो स्टॉक जहां एक्शन आज भरपूर है, 2.5% की मजबूती एक्शन है आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी और आगे भी रहने की पूरी उम्मीद, क्यों? आइए पूजा हमारे साथ है बताने के लिए, जानते हैं पूजा से। पूजा बताइए क्या कुछ हो रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में? जी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखिए। आज सुबह से इनफैक्ट ऊपर भी थे, लेकिन अब क्योंकि बाजार में गिरावट आई है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी थोड़ा दबाव यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। फर्स्ट फाइनेंस्ड सुबह से ही ऊपर है, 6% ऊपर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी अच्छी तेजी थी, अभी थोड़ा यहां पर भी करेक्शन देखने को मिला। लेकिन इन कंपनियों को अपने रडार पर रखिए, क्योंकि जब जब बाजार में तेजी आ रही है ये कंपनियां भी चलती हैं। और आज इस तेजी की वजह ये थी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टरली अपडेट आए, लिस्टिंग के बाद ये पहले अपडेट थे और काफी मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। एयूएम अगर बात करें तो 1,00,000 करोड़ के पास पार पहुंच चुका है और कंपनी के एयूएम में सालाना आधार पर 26% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। नए लोन की बात करें तो 14% की ग्रोथ आई है, डिपॉजिट में 21% की ग्रोथ सालाना आधार पर दर्ज हुई है। इसके अलावा पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस जो कि एनएससी पे लिस्टेड है, उनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और उनका कहना है कि आगे हाउसिंग फाइनेंस कारोबार काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और उनके रिटेल एयूएम को अगले 3 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। तो ये कुछ पॉजिटिव कॉमेंट्स भी आ रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से, गाइडेंस भी अच्छी दिखाई दे रही है। और अब माना जा रहा है कि जल्द ही अगर इस पॉलिसी में नहीं लेकिन आने वाले समय में रेट में कटौती, रेट कट साइकिल भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, तो उससे इन कंपनियों को काफी फायदा होगा क्योंकि एक लोन ग्रोथ को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सस्ते ब्याज दरों पर अब लोन मिल पाएगा, कंपनियों के मार्जिन और स्प्रेड में भी सुधार होगा। और फेस्टिव सीजन के दौरान ही अगर आरबीआई इस तरह का डिसीजन ले लेती है ब्याज दरों में कटौती का, तो फिर इन कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इनको अपने रडार पर जरूर रखिए। ओके, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर वो खास रिपोर्ट आती हुई। सेठी साहब, कुछ पसंद आ रहा है आपको इस स्पेस में, कोई राय सर इस समय? नहीं, बिल्कुल ये सेक्टर अच्छा है और एनबीएफसी ये जो बाजार की गिरावट के पहले बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में थे, खास करके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इसमें ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो अपने हाइट से करेक्ट हुआ, मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल्स पे आया है और अब यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लगता है, एलआईसी हाउसिंग अच्छा लगता है, मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में। और ये जो दूसरे वाले कंपनी है जैसे आवास फाइनेंशियर्स है, मुझे लगता है एप्टस वैल्यू, एप्टस फाइनेंस, मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए। और अब बाजार में जब कभी सेंटिमेंट सब ठीक होंगे, जो जल्दी होने चाहिए, मुझे लगता है फिर ये हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी वाला सेक्टर अच्छा करेगा। तो एक स्टैगर्ड रूप में खरीदारी करने की सलाह है, बट टॉप पिक वुड बी बजाज हाउसिंग फाइनेंस।